औद्योगिक खाद्य प्राधिकरण एवं नर्मदा घाटी विकास की जिम्मेदारी भारत सिंह कुशवाहा को दी गई है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उस पर खरे उतर कर दिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, बात की जाए उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास की जिम्मेदारी मिली है, खासतौर पर अगर नर्मदा घाटी की बात की जाए, नर्मदा केंद्र बिंदु रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति का, किस तरह से डिपार्टमेंट को देखते हैं? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, भरोसा किया है, मेरा प्रयास रहेगा कि उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँ और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे दो विभागों में स्वतंत्र प्रभार दिया है और अपने साथ रखा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का सहृदय से आभार और संगठन का भी सहृदय से आभार। खाद्य एवं उद्यानिकी विभाग भी आपके पास है, खासतौर पर देखा जाए तो आप उस क्षेत्र से आते हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, जहां पर उपचुनाव की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, विभाग मिल चुका है, विभाग के साथ साथ क्षेत्र की जनता को खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर उपचुनाव होने हैं उसको किस तरह से साधेंगे? ये निश्चित रूप से विभाग बनना एक अलग प्रक्रिया है और जिस प्रकार से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पर जो भरोसा है, विश्वास है, उसके आधार पर, अपने काम के आधार पर, सरकार के काम के आधार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से देखा है, जांचा है, परखा है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो उपचुनाव वाली बात आपने जो पूछा है प्रश्न, निश्चित रूप से जितने भी उपचुनाव हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पूर्ण विश्वास के साथ जीतेगी, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सामने उस संभाग में सही मायने में कोई स्थिति में नहीं है जो टक्कर दे सके, क्योंकि 15 महीने का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी का देखा है, सिर्फ थोते वादे किए गए हैं और जनता के साथ धोखा किया गया, इसलिए शिवराज जी में विश्वास इस प्रदेश की जनता करेगी। सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से डिपार्टमेंट बांटे गए हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो नहीं चल पाई जो चलनी चाहिए थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में ज़्यादा विभाग बांट दिए गए, अच्छे मलाईदार विभागों की बात की जाए तो यहाँ पर कहने का आरोप ये भी लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से। यहाँ कोई खेमा नहीं है, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कोई नहीं सिंधिया जी खेमा है और सब लोग एक ही छत के नीचे एक ही दल में। सिर्फ कांग्रेस जिस तरह से जो वातावरण कर रही है, कांग्रेस जो कांग्रेस के लोग जिस तरह से वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो इनकी छोटी सोच है, क्योंकि विभाग तो बटना ही थे, जो मंत्री बने किसी न किसी पर विभाग तो जाना ही था, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये है कि अब विभाग आपको मिला है, क्या योजनाएँ हैं, क्या तैयारियाँ हैं, प्राथमिकताएँ क्या रहने वाली इस डिपार्टमेंट में? आप सबके सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राथमिकता भी हम तय करेंगे और सफलता भी हम प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से विभाग ऐसे हैं, इनमें काम करने की अपार संभावना है और नेतृत्व ने जो विश्वास किया है कहीं न कहीं उनके मन में ये होगा कि किस विभाग को किसको दिया जाए, उसी अनुसार विभागों को उन्होंने अपने विवेक के अनुसार दिया है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और विभाग भी हमारा ये प्रयास रहेगा विभाग में उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, उस ओर हम काम करेंगे। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के अलावा नर्मदा घाटी की जो जिम्मेदारी है वो भारत सिंह कुशवाहा जी को सौंपी गई है, जाहिर सी बात है देखना ही होगा कि डिपार्टमेंट पे वो कैसे खड़े उतर के दिखाते हैं और खासतौर पर उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।